प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 29 शुरू करने जा रहे हैं, जो है हुजूर साहेब जी को विदेश यात्रा पर ले जाना। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी ने अपने जीवन काल में अनेकों देशों की यात्रा की। सर्वप्रथम सन 1984 में वे भाई नंद शीरा का विनम्र निमंत्रण स्वीकार कर बड़े महाराज जी ने अमेरिका और कनाडा जैसे सुदूरवर्ती देशों में जीवों को शांति की राह दिखाने के लिए पहुँचे। तत्पश्चात बड़े महाराज जी ने इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों की भी यात्रा की। सन 1986 में बड़े महाराज जी ने पहली बार अपनी वार्षिक विदेश सत्संग यात्रा के लिए अपने गुरुमुख शिष्य हुजूर कंवर साहेब जी को अपने संग चलने को कहा। इसके बाद बड़े महाराज जी ने अपनी हर विदेश यात्रा में केवल हुजूर महाराज जी को ही अपने जोड़ीदार के रूप में अपने साथ ले गए। 80 के दशक में कनाडा और इंग्लैंड जैसे विकसित देशों की यात्रा करना कोई सामान्य उपलब्धि नहीं थी। उस कालखंड में पश्चिमी देश तकनीकी प्रगति के शिखर पर थे, क्योंकि वे सभी देश हमारे देश से बहुत अधिक विकसित और उन्नत थे। वे विलासिता और उच्च जीवन शैली के प्रतीक थे। उनके शहर गगनचुंबी इमारतों, आधुनिक वास्तुकला, विशाल शॉपिंग मॉल्स, फैंसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों, स्टाइलिश कपड़ों के शोरूम और अद्भुत बाजारों से सुसज्जित थे। उस समय हमारे देश में इस तरह की उन्नत और विकसित जीवन शैली की कल्पना करना भी बेहद कठिन था। दिनोद के सरल ग्रामीण वातावरण से उठकर जब हुजूर साहेब अपने गुरुदेव के साथ अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड जैसे विकसित देशों की सत्संग यात्रा पर गए, तब इन नगरों की चमक दमक उनके मन को विचलित नहीं कर पाई। उन्होंने इन यात्राओं के दौरान भी अपने मन और समय को पूर्णतः गुरु सेवा में समर्पित रखा। हुजूर साहेब ने विदेशी धरती पर अपनी शरण गुरु चरणों में ही बनाए रखी। उनके लिए दुनिया का कोई भी आकर्षण गुरु के प्रति उनके समर्पण से बड़ा नहीं था। उनके लिए अमेरिका और दिनोद में कोई फर्क नहीं था। विदेश में भी उन्होंने अपना चित्त बड़े महाराज जी की व्यक्तिगत सेवा में लगाया, जैसे कि उन्हें प्रातःकाल जगाना, चाय पिलाना, स्नान कराना, कपड़े धोना और उनके भोजन की व्यवस्था करना इत्यादि। प्यारी साध संगत जियो, व्यक्तिगत सेवाओं के अतिरिक्त जब सत्संग की बारी आती तो हुजूर महाराज जी ने बड़े महाराज जी के नाम और उपदेशों के प्रचार के लिए किए गए अथक प्रयासों को सार्थक करने के लिए एक शिष्य के रूप में अपना तन और मन पूरी तरह से समर्पित कर दिया। हुजूर महाराज जी वहाँ शब्दवाणी करके घंटों तक संगत के समक्ष एक रूहानी और ऊर्जावान वातावरण सर्जित किया करते थे। यात्रा के दौरान जब बड़े महाराज जी सत्संग की अमृतवाणी सुनाते, तब हुजूर साहेब उनके प्रत्येक शब्द को सावधानीपूर्वक अपनी डायरी में अंकित करते, ताकि भारत वापसी पर इस अमूल्य ज्ञान को संगत तक साहित्य के माध्यम से पहुंचाया जा सके। इन विदेश यात्राओं में हुजूर साहेब दुभाषीय की भूमिका भी निभाते थे। इस प्रकार वे अपने गुरु के रूहानी संदेश को विदेशी भूमि पर प्रसारित करने में एक प्रमुख सहायक के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे थे। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहेब की समर्पण भावना और निष्ठा अत्यंत गहरी थी। जब वे आश्रम से बाहर विदेश यात्रा पर होते, तो वह एक पल के लिए भी बड़े महाराज जी को अकेला नहीं छोड़ते थे। युवा होने के बावजूद उनकी निष्ठा और संयम इतना प्रबल था कि बड़े महाराज जी को स्वयं हुजूर साहेब को प्रेरित करना पड़ता था कि वे कुछ समय के लिए अकेले बाहर जाएं, नए देश में घूमें फिरें और मुख्य पर्यटन स्थलों का आनंद लें। बड़े महाराज जी अक्सर हुजूर साहेब से कहते, मास्टर जा बाहर बाजार घूमा, कपड़े लत्ते या वो कुछ घर के लिए पसंद आए तो खरीद लिया, अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए कुछ ले ले। परंतु हुजूर साहेब हमेशा किसी बहाने से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते, यह कहते हुए कि उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता या इच्छा नहीं है। जब हुजूर साहेब अकेले घूमने फिरने जाने के लिए मना कर देते, तो आखिरकार बड़े महाराज जी को जबरन कभी नंद शीरा तो कभी किसी और को हुक्म देते कि वो मास्टर के साथ जाएं
और बाजार से कुछ न कुछ इसको दिलवा कर लाएं। प्यारी साथ संगत जियो, हुजूर साहेब जब मजबूर उन सत्संगी भाइयों के साथ बाजार चले भी जाते तो भी कुछ नहीं खरीद कर लाते। मैं जाने कितने लोगों ने हुजूर साहेब को बाजार में घुमा कर कुछ उपहार या जरूरत का सामान दिलवाने की कोशिश की, पर उन्होंने कभी कोई चीज़ नहीं खरीदी। अगर कोई सत्संगी भाई उन पर निरंतर अनुरोध कर उनको कोई सामान जबरदस्ती दिलवाने की कोशिश करता तो हुजूर साहेब हर चीज़ में जानबूझकर कोई ना कोई कमी निकाल देते थे। जैसे कभी वे जूते की दुकान में जूते का गलत साइज बताकर वहाँ से कुछ न लेते, तो कभी कपड़ों की दुकान में जाकर कोई ऐसे रंग के कपड़े मांगते जो दुकान में हो ही ना। बड़े महाराज जी के वर्षों की सत्संग यात्रा में हुजूर साहेब ने कभी भी खुद के लिए कोई व्यक्तिगत उपहार या सामान नहीं खरीदा। अब संसाधन और गुरु की मौज होते हुए भी ऐसा त्याग, संतोष और संयम दिखलाना किसी बिड़ला जीव के वश की बात होती है। तभी तो बड़े महाराज जी बेधड़क होकर कहते थे कि मेरा मास्टर लाखों में एक है। प्यारी साथ संगत जियो, जिस तरह एक पिता अपने पुत्र को सभी सुख सुविधाओं से संपन्न रखने की इच्छा रखता है, कुछ उसी भावना के साथ बड़े महाराज जी अपने प्रिय मास्टर के प्रति लाड़ प्यार करते थे। अपने मास्टर को ऐसे अद्भुत त्याग का प्रदर्शन करते देखकर उन्हें भले ही थोड़ी मायूसी होती हो, परंतु साथ ही उन्हें अपने शिष्य पर गर्व भी होता था। जब उन्होंने हुजूर साहेब में अपने जैसे गुण देखे तो उन्होंने एक सत्संग में अपने मास्टर के मजबूत चरित्र और प्रेरणादायक संयम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, जो यह ड्यूटी लेता है उस आदमी में इतना त्याग होना चाहिए, पर संसार का त्याग बड़ा भारी कठिन है। यह सारा हमारा ही परिवार है, ये सारे ही मेरे बच्चे हैं। मेरे पास में मास्टर को रहते हुए 15-16 वर्ष हो चुके हैं। मैं कभी भी इसके लिए कोई चीज़ नहीं लाया। मैं कनाडा जाता हूँ, वहाँ से भी कुछ नहीं लाता। कोई चीज़ लेनी है तो यहीं से ले लो भाई, मैं पैसे दे दूँगा। मैं एक बात सोचता हूँ कि सतगुरु को त्यागी होना चाहिए, त्याग भी पूरा ही होना चाहिए। गुरु और चेला भी तो मिलने दुर्लभ होते हैं। संत मत में करनी देखी जाती है, संत मत में विद्या नहीं देखी जाती। सतगुरु तो देख लेता है कि इसने इतनी करनी कर ली है, करनी कर ली तो उसको सतगुरु बना दिया। प्यारी साथ संगत जियो, इस सत्संग में बड़े महाराज जी ने अपने हृदय की गहराइयों से एक मलाल का इजहार किया, जिसका कारण था कि वे विदेश से अपने गुरुमुख के लिए कुछ भी ला पाने में असमर्थ रहते थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने मास्टर के त्याग का उदाहरण देते हुए संगत को एक सूक्ष्म संदेश भी दिया कि उन्होंने अपने शिष्य की करनी को पूरी तरह से समझ और परख लिया है। बड़े महाराज जी ने इस प्रकार संगत को यह भी दर्शाया कि सच्चा आध्यात्मिक पथ भौतिक वस्तुओं से परे होता है, और उनके मास्टर का जीवन इस अद्वितीय पथ का एक जीवंत प्रमाण है। राधा स्वामी।